पढ़ाने जा रहे हैं वो है ज्ञान के प्रकार। कल मैंने आपको जो पढ़ाया था वो थे कि ज्ञान हम कितने भागों में ज्ञानों का विभाजन कर सकते हैं। जैसे कि कल मैंने बताया था आपको हमारे ज्ञान का विभाजन, आज हम पढ़ा रहे हैं ज्ञान के प्रकार, टाइप्स ऑफ द ज्ञान, कि ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। ज्ञान के जो प्रकार हैं वो अनेक अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इनका डिवाइडेशन किया है। इसमें सर्वप्रथम शंकर जी भारतीय दर्शन के अनुसार इन्होंने ज्ञान को दो भागों में विभाजन किया है। ज्ञान कितने भागों में ज्ञान को विभाजन किया है? दो। फर्स्ट है अपराज्ञान, सेकंड है पराज्ञान। अपराज्ञान को हम आध्यात्मिक व अलौकिक ज्ञान की श्रेणी में लेते हैं। अपरा जो हमारी पहुंच से बहुत दूर होता है, अर्थात जिसे हम केवल सोच सकते हैं, मन में सोच सकते हैं, आस्था रख सकते हैं, जो हमें इस संसार से प्राप्त नहीं होता, अलौकिक ज्ञान जो इस लोक का ज्ञान नहीं होता है वो परलोक का ज्ञान होता है, अर्थात जिसे हम सही शब्दों में या सामान्य शब्दों में जाने तो यह एक हमारा ईश्वरीय ज्ञान होता है। हमारा ईश्वरीय ज्ञान होता है जो हमारा ईश्वर के प्रति आस्था होता है, हमारे खुद से परे, ए परा ज्ञान, ये है परा। दूसरा है हमारा परा ज्ञान, यानी कि हमारा भौतिक ज्ञान ए परा अलौकिक ज्ञान होता है, और ये हमारा भौतिक या लौकिक ज्ञान होता है, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं, हमारे सामने जो भी चीजें घटित होती हैं, हमारे ज्ञान की ये प्रवृत्ति होती है कि हमें उस चीज को जानने की इच्छा जागृत होती है, क्योंकि मनुष्य का जो मस्तिष्क है, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। तो ये पराज्ञान की श्रेणी में आता है कि हम जब इस चीज को आध्यात्मिक ज्ञान की श्रेणी में लेते हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसे हम केवल सोचते हैं या दूसरे के कथन को सुन के हम उसके बारे में चिंतन करते हैं, या हम कहें कि अगर हमें किसी ईश्वर में विश्वास है, हम विश्वास रखते हैं लेकिन हम उसे प्रूफ नहीं कर सकते। भौतिक ज्ञान जो है वो हमारा इसी ज्ञान में नहीं, जो हमारे साथ घटित होता है वो ज्ञान पराज्ञान की श्रेणी में आता है। दूसरा है हमारा प्लेटो। प्लेटो ने इन्हें तीन भागों में विभाजन किया। फर्स्ट है इंद्रिय जन्य ज्ञान, सेकंड है संबंधी ज्ञान, और थर्ड है चिंतन जन्य ज्ञान। फर्स्ट है इंद्रिय जन्य ज्ञान, सेकंड है संबंधी ज्ञान, थर्ड है चिंतन जन्य ज्ञान। इंद्रिय जन्य ज्ञान, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इंद्रिय जन्य यानी जो इंद्रियों से ज्ञात होता है, इंद्रिय अनुभव होता है, जो इंद्रिय अनुभव ज्ञान है, इंद्रिय अनुभव ज्ञान है, यानी कि हमारे ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, उनके अनुभवों के द्वारा प्राप्त ज्ञान। हमारे शरीर में जो पांच इंद्रियां होती हैं, उनसे प्राप्त ज्ञान को, उनसे जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, उस अनुभव जनित ज्ञान को हम इंद्रिय जन्य ज्ञान कहते हैं। चाहे वो हमारा, हम देखते हैं कि जब हमारे को स्किन जलती है, हमें ठंडा गर्म, हमारे जीभ से हमारे स्वाद का पता चलता है, यानी कि ये जो हमारे शरीर की पांच इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो इंद्रिय अनुभव की श्रेणी में आता है। दूसरा जो है वो है हमारा सम्मति ज्ञान, कहते हैं सम्मति ज्ञान। सम्मति ज्ञान हमारा होता है हमें किसी चीज से सहमति देना, सम्मति देना, और हम जब सहमति या सम्मति देते हैं तो वो हम केवल हमारी बुद्धि से सोचकर देते हैं, अर्थात सम्मति ज्ञान बुद्धि से रिलेटेड होता है, जो हमारे एक तरीके से हम इसे कहते हैं मस्तिष्क ज्ञान, यानी कि जो हम बुद्धि से सोचते हैं, हम बुद्धि से जो डिसीजन लेते हैं। अभी हमने ऊपर देखा आध्यात्मिक ज्ञान, यानी कि हम उसे मन से सोचते हैं। भौतिक ज्ञान जो हमारे साथ घटित हो जाता है, हमें उससे सबक मिल जाता है। इंद्रिय जन्य ज्ञान जो हम इंद्रियों के माध्यम से लेते हैं, लेकिन ये ज्ञान ऐसा होता है जिसके बारे में हम सोचते हैं, बुद्धि से हम जो कार्य करते हैं उसे हम बुद्धि से सोचकर काम करते हैं। और कब होता है ये हमारा? जब हम मस्तिष्क के बारे में सोचते हैं। कहा जाता है कि ज्ञान हमारी सूचनाओं का संग्रह,
सोचने की शक्ति, थिंकिंग पावर, जिस तरीके से सम्मति ज्ञान है, अगर हम इस सिंपल तरीके से इसका तीन विभाजन देखें, तो सर्वप्रथम जो प्लेटो ने किया है वो हमारे इंद्रियों से संबंधित ज्ञान हमें दिया है कि हमें इंद्रियों से जो अनुभव हो जाता है वही हमारा ज्ञान है। और सेकंड जो हो जाता है हमारा इंद्रियों के बाद में हमारा काम मस्तिष्क करता है, तो ये दूसरा ज्ञान सम्मति ज्ञान हमारी बुद्धि से संबंधित आ जाता है। थर्ड ज्ञान, जब बुद्धि में हमारा ज्ञान प्रवेश करता है तो हमारे यहाँ पर थिंकिंग पावर अर्थात सोचने की क्षमता जागृत होती है, वो कैपेसिटी जागृत होती है कि हम उसके बारे में कैसा सोचते हैं। तो चिंतन जन्य जिसमें हम गहराई से सोचते हैं, विचार करते हैं, वो हमारे थिंकिंग पावर में आता है। यहाँ पर हम अपनी गहराई से सोचते हैं, उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं कि हमें वो कार्य किस तरीके से करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये हमारा थिंकिंग पावर में आता है। कहते हैं ज्ञान हमारी शक्ति होती है, ये डेफिनेशन भी मैंने आपको लिखवाई थी जिसमें सुकरात जी ने कहा था कि ज्ञान ऐसी शक्ति है जिससे कार्य करने की शक्ति जागृत होती है। तो ये शक्ति क्या है हमारी? यही शक्ति हमारी थिंकिंग पावर है, अर्थात हमारी सोचने की शक्ति कि हम कहां तक किस तरीके का सोच सकते हैं। हमारा कार्य है, जितना कहते हैं हम जितना सोच समझ के कार्य करेंगे, हमारे उस कार्य को हमारा गलत होने से हमारे कार्य है बच सकता है। अच्छा, हमारा जो रिजल्ट आएगा जहां तक है वो पॉजिटिव हमें मिलेगा, नेगेटिव की कम होगी संभावना। इसीलिए कहा जाता है थिंकिंग पावर, यानी हर कार्य को हम सोचकर करेंगे। तो इन्होंने तीन भागों में विभाजन कर किया, पहला इंद्रिय जन्य ज्ञान, सेकंड है सम्मति ज्ञान, थर्ड है चिंतन जन्य ज्ञान, जिसके अंदर फर्स्ट इंद्रिय अनुभव आता है, सेकंड बुद्धि यानी मस्तिष्क से संबंधित आता है, और थर्ड आ रहा है हमारा थिंकिंग पावर, यानी जो हमने मस्तिष्क में लिया उसके बारे में हम यहाँ जाकर चिंतन और मनन करते हैं। जो हमारे यहाँ पर सूचना स्टोर हुई है हम उनका कार्य करने की कोशिश यहाँ पर सोचकर करते हैं, हमारे कार्य की रूपरेखा तैयार करते हैं कि हमें किस तरीके से हमें कार्य करना है। अब आता है क्या, इधर है हमारे व्यू, फर्स्ट था हमारा दर्शन के अनुसार, सेकंड हमारा प्लेटो के अनुसार, थर्ड है हमारे जॉन ड्यूवी के अनुसार। जॉन ड्यूवी ने हम ज्ञान को दो भागों में विभाजन किया, स्कूली ज्ञान और स्कूल से बाहर का ज्ञान। अगर हम देखें सिंपली तौर पर स्कूली ज्ञान, तो वो हमारे औपचारिक ज्ञान की श्रेणी में आता है, अर्थात जो हम किसी संस्था से या किसी विद्यालय महाविद्यालय से हम जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो औपचारिक ज्ञान की श्रेणी में आते हैं। थर्ड सेकंड है हमारा स्कूल से बाहर का ज्ञान, यानी कि अनौपचारिक ज्ञान, जो हम विद्यालय में ना आकर हम कहीं से भी हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, हमारे किसी आस पड़ोस से, हमारे परिवार से बाहर से, हम कहीं से भी उस ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। स्कूली ज्ञान में अगर हम देखें तो प्रॉपर जब बच्चा अपने परिवार से और विद्यालय आता है तो उसे पूरे स्कूल में जिस तरीके से उसका कहते हैं औपचारिक ज्ञान है, तो संस्था में उसके नाम लिखा जाएगा या उसे समय पर आना पड़ेगा, समय पर उसे यहाँ क्लास लेनी पड़ेगी, तो ये हमारे स्कूली ज्ञान है। कहते हैं स्कूली ज्ञान जब बच्चा खुद परिवार को छोड़ के विद्यालय में आता है तो उसके अंदर एक ये सिखाया जाता है विद्यालय में कि उसे किस तरह से विद्यालय में सामंजस्य बिठाना है, किस तरीके से उसे बाहर के, तो एक तरीके से सामंजस्य का स्वभाव बच्चे का स्कूली ज्ञान में होता है। यहाँ आकर बच्चा एक विद्यार्थी से दूसरे विद्यार्थी से, जो भी उसके अलग अलग सहपाठी होते हैं, उन सबसे मिलकर रहने की भावना जागृत होती है। और अनौपचारिक यानी कि जो स्कूल से बाहर का ज्ञान होता है, अब स्कूल से बाहर का ज्ञान हमारा कैसा भी हो सकता है, हम देख सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति कार चलाना सीखता है तो जरूरी नहीं है वो विद्यालय में आए, जरूरी नहीं है कि वो किसी ट्रेनर के पास जाए, हो सकता है वो अपने दोस्त से सीखे, हो सकता है अपने परिवार के किसी सदस्य से सीखे, तो ये उसका बाहर का ज्ञान है। और भी अनेक ज्ञान ऐसे होते हैं जो स्कूल से बाहर से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब ये फर्स्ट हो गया हमारा दर्शन के अनुसार, सेकंड है हमारा प्लेटो के अनुसार, थर्ड है जॉन ड्यूवी के अनुसार। इसी तरीके से कुछ विद्वानों ने ज्ञान को
अलग अलग तरीके से और अलग अलग भागों में विभाजन किया है। जिस तरीके से फर्स्ट है पहला स्थानीय ज्ञान, फर्स्ट है हमारा स्थानीय ज्ञान, अर्थात स्थानीय ज्ञान यानी कि लोकल नॉलेज, लोकल नॉलेज जो किसी स्थान विशेष से संबंधित होता है। जब हम किसी स्थान विशेष का अवलोकन करते हैं तो उससे प्राप्त ज्ञान स्थानीय ज्ञान की श्रेणी में आता है। स्थान विशेष से संबंधित स्थानीय ज्ञान स्थान विशेष से संबंधित होता है। जो किसी पार्टिकुलर कहते हैं हम कोई हमारा स्थान चाहे वो छोटा हो, लोकल हमारे आसपास का क्षेत्र, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा कस्बा, ये सब हमारे स्थान की श्रेणी में आते हैं। स्थान यानी जो हमारा लोकल ज्ञान है होता है, हम कह सकते हैं इसमें हम हमारी भाषा का, जो हमारी स्थानीय भाषा होती है, बोली होती है, हमारी बोली, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज, यानी कि हर किसी की सब चीजें अलग होती है, यानी जो ओनली केवल स्थान विशेष से संबंधित होता है। कहते हैं कि जो स्थानीय ज्ञान है वो ही आगे हमें जोड़ते हुए आगे हमारे वैश्विक ज्ञान अर्थात हमारा सार्वभौमिक ज्ञान से जोड़ता चला जाता है। लेकिन हम देखें कि स्थान विशेष का ज्ञान किसी स्थान से होता है। सिंपली तौर पर हम कहें कि हमारे कई बार एक छोटा सा मंदिर भी हमारे स्थान विशेष की पहचान बन जाती है। एक छोटे से गांव का मंदिर हमारे स्थान विशेष की पहचान बन जाता है। तो ये होता है हमारा लोकल ज्ञान, हमारा खुद की लोकल नॉलेज जो कि हमारा स्थानीय विशेष के अंतर्गत आता है। दूसरा है हमारा सार्वभौमिक ज्ञान आता है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, अर्थात सार्वभौमिक, जिसका सभी पक्ष सत्य होता है। इसे हम एक तरीके से देखें तो ये हमारे जैसा कि हमारा देश मानेगा वो ही दूसरा देश भी मानेगा, अर्थात ये ज्ञान सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ये सभी तरीके से सत्य होता है। यहाँ स्थान विशेष से हम कह सकते हैं कि आज जो मंदिर है हो सकता है वो कल ना हो, वहां से हटा के हम कुछ और चीज बना दे, या हम कहें अगर स्थान विशेष में हम एक कह दें छोटा सा किसी कुएं की पहचान है, उसका पानी बहुत मीठा, हो सकता है कल उस कुएं में पानी ही ना रहे। लेकिन सार्वभौमिक ज्ञान जो होता है वो एक हमारे वैश्विक स्तर का ज्ञान होता है जो कि हमारा हमेशा चलता रहता है। ये कुछ ज्ञान, इस ज्ञान को हमें भी मानना पड़ता है और हमारे साथ उसे दूसरे देश भी मानेंगे। तो ये होता है सार्वभौमिक ज्ञान। अगर हम कहें कि सूरज पूर्व से उगता है तो बिल्कुल ये फैक्टेड है कि सूरज पूर्व में उगता है, इस चीज को हम मानेंगे और दूसरे देश भी मानेंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि ये ज्ञान एक जांचा परखा हुआ ज्ञान होता है जिसे हम कह सकते हैं आंकड़ों के अनुसार। आज हमारे जो हम कहते हैं कि जनसंख्या का हमारा इस साल का आंकड़ा क्या है, तो ये आंकड़ा हमारा इस ज्ञान के अंतर्गत आता है, इस ज्ञान के अंतर्गत आता है कि इस साल हमारी, ये नहीं है कि नेक्स्ट ईयर का, वो हमारा इसी साल का है कि 2020 है, इसमें हमारे साल हमारे जनसंख्या का आंकड़ा ये है। तो ये चीजें जो आती है वो सार्वभौमिक ज्ञान के अंदर आती है, अर्थात सार्वभौमिक ज्ञान होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। अब आता है हमारा थर्ड है हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान या अप्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान व अप्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान को हम मूर्त ज्ञान की श्रेणी में मूर्त ज्ञान भी बोल सकते हैं, अप्रत्यक्ष को हम अमूर्त ज्ञान भी कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान जो हमें दिखाई देता है हमारे सामने घटित होने वाली घटना, क्योंकि जो घटना हमारे सामने घटित हो रही है वो हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान है, और जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो हमारा अप्रत्यक्ष ज्ञान है। कहा जाता है कि जब कहीं दुर्घटना हो हम उसे जब आंखों देखे देख रहे हैं तो वो हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान है, लेकिन उसी ज्ञान को हमें किसी दूसरे के माध्यम से अगर हमने ना देखा और किसी दूसरे के माध्यम से हमें सिर्फ उसे बताया जा रहा है तो वो हमारा अप्रत्यक्ष ज्ञान होता है।
हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है जो हम स्वयं उस घटना पर उस समय वहाँ उपस्थित हो, वो हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान में आता है। और जो हम जिस समय हम वहाँ नहीं उपस्थित होते वो हमारा अप्रत्यक्ष ज्ञान की श्रेणी में आता है, वो हमारा अप्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। चौथा है हमारा विषय ज्ञान व पाठ्य सामग्री ज्ञान। विषय ज्ञान यानी सब्जेक्ट नॉलेज, विषय ज्ञान विषय ज्ञान व पाठ्यक्रम सामग्री ज्ञान। विषय ज्ञान जिस विषय से संबंधित होता है, कहा जाता है ज्ञान में जब तक हमें विषय का ज्ञान नहीं होता है तब तक वह ज्ञान हमारा अधूरा होता है। अर्थात ज्ञान को जब हम बांटते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को बताने वाले को उस ज्ञान की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। विषय संबंधित अर्थात हमें विषय विशेषज्ञ होना चाहिए कि क्या हम जो बताने जा रहे हैं क्या हम उसमें कमांड रखते हैं कि हम उस चीज को बता सकते हैं। अर्थात विषय का संपूर्ण ज्ञान अगर हमारे पास विषय का संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उस ज्ञान को प्रदर्शित नहीं कर सकते, उस ज्ञान की व्याख्या नहीं कर सकते, उस ज्ञान को हम व्यक्त नहीं कर सकते। अर्थात विषय ज्ञान के लिए हमें विषय का ज्ञान होना अनिवार्य होता है। विषय का ज्ञान होना अनिवार्य होता है। इसके लिए हम विषय विशेषज्ञों का चयन करते हैं। विषय विशेषज्ञों का चयन करते हैं क्योंकि अगर विषय का ज्ञाता नहीं होगा तो वो उस चीज को जिस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं उसको हम पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ना हम उसे समझा पाएंगे। इसीलिए हमें विषय विशेषज्ञों का सहारा लेना पड़ता है। अर्थात कहते हैं ज्ञान में विषय का ज्ञान होना अनिवार्य होता है। विदाउट विषय के ज्ञान के हम उस चीज की नॉलेज नहीं दे पाते। अब हमारा पाठ्यक्रम सामग्री ज्ञान। पाठ्यक्रम सामग्री ज्ञान, जब हमारे पास विषय विशेषज्ञ होते हैं, जब हमें विषय का ज्ञान होता है तो विषय के ज्ञान के साथ साथ हमें उस विषय के अंदर कौन कौन सी सामग्री काम में लेनी है, किस तरीके से काम में लेनी है, तो हमें इसका भी ज्ञान होना चाहिए। पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है उसमें हमारी सामग्री भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बिना सामग्री के हम बच्चों को पूर्ण रूप का ज्ञान नहीं दे सकते। इसीलिए अगर विषय ज्ञान ले रहे हैं हम तो विषय की सहायता के लिए हमें पाठ्यक्रम सामग्री का ज्ञान होना भी अनिवार्य होता है कि बच्चा किस तरीके से इस पाठ्यक्रम को इस विषय को आगे बढ़ा सकता है और इसके लिए हमें कौन कौन सी सामग्रियों का चयन करना पड़ता है। सिंपल तौर पर हम देखें एक शिक्षक जब अपने क्लास में आता है अपने विषय को पढ़ाएगा तो वो पहले हम अपनी सामग्रियों का चयन करेगा कि वो क्लास में जब विषय पढ़ाने जा रहा है तो उसे किस तरीके से पढ़ाना है, किस किस माध्यम से पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है। तो ये पाठ्यक्रम सामग्री ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जो हम साधनों का प्रयोग करते हैं, अर्थात माध्यमों का चयन करते हैं, अर्थात हम पढ़ाने के लिए या ज्ञान देने के लिए जिन माध्यमों का प्रयोग करते हैं वह ज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का ज्ञान होता है। अर्थात यहाँ हम सामग्रियों का चयन करते हैं कि इस ज्ञान के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री काम में लेनी है और हमें इसे किस तरीके से पढ़ाना है। अर्थात यहाँ देखा हमने विषय ज्ञान के बाद में पाठ्य सामग्री
सामग्री ज्ञान, अर्थात जिस विषय को हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिस विषय को विशेषज्ञ पढ़ाने जा रहे हैं, उसके लिए वो अपने पाठ्यक्रम सामग्रियों का चयन करते हैं और उन पाठ्यक्रम सामग्रियों का प्रयोग भी करते हैं। ये आता है हमारा विषय ज्ञान और पाठ्य सामग्री ज्ञान के अंतर्गत। अब है हमारा वैज्ञानिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान अर्थात जिसे विज्ञान ने माना है, जो कि आज हम कहने के आज हमारे वैज्ञानिक ज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि हम नए नए आविष्कारों के माध्यम से हम उनका प्रयोग करने लगे, नई नई टेक्निक जो हमारे इस क्षेत्र में आ रही है, जो नई नई टेक्निक हमारे इस क्षेत्र में आ रही है, वो हमारे विज्ञान की देन है। आज का जो युग है वो हमारा वैज्ञानिक युग ही कहलाता है। प्राचीन काल में हम जिन सामग्रियों का प्रयोग करते थे, हमने देखा अगर हम इन दोनों में प्राचीन युग में और आज के युग में हम अंतर करने बैठे, तो हमने देखा है कि प्राचीन युग जो था वो हमारा बहुत पीछे था, लेकिन आज हमने जो वैज्ञानिक युग में हमने कदम रखा है, इसके आधार पर हम आगे आज हमारा देश बहुत आगे विकास कर रहा है। तो ये किसकी देन है? ये हमारे विज्ञान की देन है, ये हमारे विज्ञान की देन है। और इससे संबंधित, और इससे संबंधित हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह वैज्ञानिक ज्ञान होता है, अर्थात विज्ञान से प्राप्त। अब यह हमारे प्रत्येक क्षेत्र में हम देखते हैं, आज हमें चिकित्सा के क्षेत्र में, एजुकेशन के सिस्टम में, हमारे प्रत्येक, यदि हम देखें इंजीनियर्स जो बन रहे हैं हमारे बड़े, ये टेक्निक लाइन हमारे प्रत्येक क्षेत्र में है ये, और यही विज्ञान की देन है। ये वैज्ञानिक लोगों ने जो नए नए आविष्कार किए, आज हमने देखा है कि इंसान चांद पर पहुंच गया है, तो ये किसकी देन है? विज्ञान की। हमारे लिए ये एक वैज्ञान, जो नए नए साइंटिस्ट बन रहे हैं, ये अपना एक क्षेत्र, अपना चयन करते हैं उस क्षेत्र में जाने के लिए, और उसी विज्ञान के से संबंधित वो अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये विज्ञान की देन है जो आज हमारा देश हमारे टेक्निक क्षेत्र में हमारा आगे बढ़ रहा है। कहते हैं अभी जैसे हम देखें तो इंसान जो अभी हमने फर्स्ट में पढ़ा था हमारा अलौकिक ज्ञान, यानी कि अपराज्ञान और पराज्ञान, ये उससे अपोजिट है, ये हमारा अपराज्ञान, यानी कि वह हम सोच सकते हैं, लेकिन इस विज्ञान के युग में इंसान ने करके दिखाया है, ये है हमारा, जहाँ उस सोच से परे था वो ज्ञान, यहाँ पर हमने इंसान ने वो कार्य करके दिखाया है, यानी स्वयं किया है उन्होंने उसे। एक तरीके से हम वैज्ञानिक ज्ञान को कह सकते हैं कि जो जांचा परखा हुआ ज्ञान होता है, जिस पर पूर्ण सहमति मिल जाती है कि ये ज्ञान हमारा सही है, ये वैज्ञानिक ज्ञान की श्रेणी में आते हैं। और इसी विज्ञान के देन में हमारे नए नए आविष्कार होने लगे हैं। वैज्ञानिक ज्ञान के बाद में है धार्मिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान जो धर्म से संबंधित होता है, धर्म से संबंधित होता है। अब यहां धर्म हमारा विश्वास है, धर्म है वो हमारा विश्वास है, यहां हमारा धर्म हम किसी धर्म से रिलेटेड नहीं करते हैं। ये हमारा धार्मिक ज्ञान हमें ये नहीं सिखाता कि हम सिर्फ हमारे धर्म का सम्मान करें, ये धार्मिक ज्ञान हमारा विश्वास होता है कि हम किसके ऊपर किस धर्म, जैसे तो हमें हमारे सभी धर्म को हम सम्मान करते हैं, और ये हमारे हिंदू धर्म की पहचान है कि हम सभी धर्म की मान्यता, सभी धर्मों को हम बराबर और समान समझते हैं। तो ये धार्मिक ज्ञान जो है वो धर्म अर्थात विश्वास पर आधारित होता है, यानी कि जिस पर हमें विश्वास होता है, यहाँ हम विश्वास न करके उस कार्य को हम जांचते हैं, परखते हैं, लेकिन यहाँ ये कार्य, ये ज्ञान हमारा ओनली विश्वास पर आधारित होता है, यह हमारा विश्वास पर आधारित ज्ञान, विश्वास पर आधारित ज्ञान, विश्वास पर आधारित ज्ञान धार्मिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान कहलाता है, अर्थात हमारी आस्था, हमारी विश्वास। जरूरी नहीं है कि हम दूसरे इंसान पर सिर्फ हमारे सामने प्रूफ आए तभी हम विश्वास करें, कई बार हो सकता है मस्तिष्क से नहीं छोड़ना, हम हमारी आत्मा से सोचते हैं, हमारे मस्तिष्क दिल से सोचते हैं, तो ये जो हमारा विश्वास है वही हमारा धर्म है,
विश्वास ही हमारा धर्म है। नेक्स्ट है हमारा क्रियात्मक ज्ञान। क्रियात्मक ज्ञान, क्रियात्मक, क्रियात्मक ज्ञान अर्थात क्रिया करने वाला, जिसे हम करके सीखते हैं। क्रियात्मक ज्ञान, क्रियात्मक ज्ञान करके सीखने के, करके सीखने के सिद्धांत पर, सिद्धांत पर आधारित होता है। अर्थात क्रियात्मक ज्ञान हमारे करके सीखने के सिद्धांत पर, जो हमने किया है, जो हम करते हैं, यानी कि जो भी कार्य करें, आज जो हम कहते हैं कि विद्यालय महाविद्यालय में जो कार्य करवाए जाते हैं, जो प्रैक्टिकल वर्क है, वो हमारा क्रियात्मकता के आधार पर, वो हमारे क्रियात्मक कार्य होते हैं। हम बच्चों को होमवर्क देते हैं, हम बच्चों को क्लास वर्क देते हैं, हम बच्चों को जो प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, वो हमारे क्रियात्मक ज्ञान पर है, वो हमारा क्रियात्मक ज्ञान है। अर्थात हमने क्रिया करके बच्चों को सिखाया है, अब बच्चे उस पर क्रिया करके सीखेंगे, यानी कि ये करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है कि जैसा हम करेंगे उसी तरीके से हम सीखेंगे। और देखा जाता है कि जब हम जो भी कार्य करते हैं, एक चीज से ज्ञान हमारा अनुभव होता है, तो अनुभव कब प्राप्त होता है? जब हम उस कार्य को करेंगे, और करेंगे तभी हम अनुभव प्राप्त करेंगे। तो कहा जाता है कि ज्ञान हमेशा क्रियात्मक होना चाहिए, जिससे कि हम श्रम करें और श्रम करके उससे सीखें, श्रम कार्य करें और सीखें, यही क्रियात्मक, यही क्रियात्मक ज्ञान है। अर्थात हम जो क्रिया करके सीखते हैं वही क्रियात्मक ज्ञान होता है। इसमें हम विभिन्न क्रियाएं करते हैं, हमारे जो भी हम कार्य करते हैं उसे हम रिटर्न क्रिया करके ही हम उसे सीखते हैं। तो ये करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करता है। लास्ट है हमारा श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, जिस तरीके से क्रियात्मक ज्ञान था वो क्रिया करके सीखने पर आधारित था, उसी तरह से हम कहते हैं श्रुति ज्ञान है वो सुनने पर है। जैसे हमने देखा है कि हम भिन्न भिन्न जो हमारे मुनिवर या हम कहते हैं ऋषियों के, इनके हम जो जाके उनके उपदेश सुनते हैं, हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम करते नहीं है, वहाँ पर हम कोई पढ़ते नहीं है, हम केवल उन उपदेशों को हम कान से सुनते हैं और उनको हमारे जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तो ये श्रुति ज्ञान है। श्रुति ज्ञान यानी सुनना, जो कान के द्वारा, कान के द्वारा सुना जाता है, कान के द्वारा सुना जाता है, अर्थात सुनने वाला ज्ञान, जिसे हम ओनली सुनकर प्राप्त करते हैं, ये हमारे श्रुति ज्ञान की श्रेणी में आते हैं। तो आज जो मैंने आपको ज्ञान पढ़ाया है, ज्ञान के प्रकार बताए हैं, इनके प्रत्येक ज्ञानों का जो उनकी विशेषताएं हैं, उनके अंतर हैं, वो मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगी। जैसे मैंने आज आपको पढ़ाया था, वो सारे ज्ञान के प्रकारों का विस्तार से, उनकी विशेषताएं आदि के बारे में मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।